हैं, तो ये बाबा भोले के थीम पे है। और देखिए नीचे में स्कल्स है, और ये देखो कितना बेहतरीन लग रहा है, मतलब जो मूर्ति है भाई साहब क्या लग रही है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पीके ब्लॉग 07। तो गणेश मूर्तियों की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। तो गणेश मूर्ति की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं नवदेवी मूर्ति कला केंद्र। तो इस साल का तो हमारा ये नवदेवी मूर्ति कला का पहला वीडियो है, लेकिन पिछले साल जब आए थे तो यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनी थी वो एक से बढ़कर एक। तो यहाँ पे कलर का काम जो है स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से ऑलमोस्ट जो गणेश पूजा है वो 6 से 7 ही दिन है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं। और जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो एक से बढ़कर एक बनी हुई। तो चलिए चलते हैं, बिना कोई टाइम पास करते हुए, बिना आपको बोर करते हुए ये जो ब्लॉग है इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये है माँ नवदेवी मूर्ति कला केंद्र का बोर्ड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उनका डिटेल है, मूर्तिकार पप्पू साहू है और उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप यहाँ से उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इधर कुछ कुछ मूर्तियाँ भी बन रही है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये तो हो गया आपकी छोटी छोटी साइज़ में मूर्तियाँ, लेकिन अंदर चलेंगे ना तो आपको बड़ी साइज़ में मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो चलिए अंदर की तरफ चल रहे हैं। आते ही देखिए सबसे पहला ये मूर्ति, और मूर्ति की डिटेलिंग वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत और कितना ज़्यादा डिटेलिंग है, हालांकि अभी ये वाइट पुट्टी में है और कलर का काम होने वाला है। पीछे तरफ भी यह तैयारी कर रहे हैं, और पीछे तरफ भी मूर्ति मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत गणेश मूर्ति है। और यहाँ पे देखिए पीछे में ना फैला हुआ है, इसलिए अपन अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरफ का जो मूर्तियां हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें कलर का काम स्टार्ट हो चुका है, और बैकग्राउंड देखिए क्या बेहतरीन लग रहा है, और मूर्ति देखिए तो अभी हाफ कलरिश हुआ है, देखिए इसमें इतना खूबसूरत लग रहा है। और जो बैकग्राउंड डिटेलिंग वर्क है वो देखो क्या बेहतरीन लग रहा है, देखिए भाई साहब एक नंबर। तो ये कृष्ण जी के थीम पे ये मूर्ति बन रही है। तो पिछले बार भी आए थे नवदेवी मूर्ति कला केंद्र, और इसको लेकर मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए कि नवदेवी मूर्ति कला का वीडियो ज़रूर बनाना करके। और लो फाइनली हम लोग हैं नवदेवी मूर्ति कला केंद्र में, और जो मूर्तियां हैं वो तो एक से बढ़कर एक हैं। तो अभी बस हमने स्टार्ट किया है, और जो मूर्तियाँ हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये बाबा भोले के थीम पर है, और देखिए नीचे में स्कल्स है, और ये देखो कितना बेहतरीन लग रहा है, मतलब खोपड़ी से ये सांप निकला हुआ, देखिए भाई साहब क्या बेहतरीन लग रहा है। और ये मूर्ति देखिए है ना जबरदस्त, और जो बैकग्राउंड वॉक है वो देखो, तो एक से बढ़कर एक मूर्तियां हैं। ये देखिए भाई जबरदस्त, और यहाँ पे भी आप देखिए ये भी कृष्ण जी के थीम पे बन रही है, और बैकग्राउंड है वो देखो क्या कमाल की लग रही है। और ये भाई साहब एक से बढ़कर एक मूर्ति, और ये देखिए है ना, यहाँ पे आपको नंदी जी देखने को मिलेंगे, और ये आसन हो गया ये गणेश जी, और बैकग्राउंड देख सकते हैं ऊपर में आपको शिव जी, भाई साहब एक नंबर लग रहा है। और ये मूर्ति भी आप देख सकते हैं है ना, नीचे में मूसक महाराज है, और ये गणेश जी बाबा भोले के थीम पे है, और यहाँ पे देखिए ये कृष्ण जी के थीम पे, भाई साहब एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ हैं देखिए। और यहाँ पे आप देखिए भाई साहब कलर कॉम्बिनेशन देखो का जबरदस्त लग रहा है, और बाबा भोले के थीम पे है, जबरदस्त लग रही है। नीचे में आपको नंदी महाराज है, और यहाँ पे मूसक महाराज भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे शिवलिंग के साथ में है गणेश जी, इधर भी आपको राधा कृष्ण वाले गणेश जी देखने को मिलेंगे, ये देखिए है ना जबरदस्त। तो सभी तरीके के आपको गणेश जी देखने को मिलेंगे, शिव जी के थीम पे है, राधा कृष्ण के थीम पे है, और ये देखिए लंबोदर महाराज, और साइज आप देखिए लगभग 11 फीट की हाइट आएगी फ्रेम के साथ पे, और जो मूर्ति है वो कितना खूबसूरत लग रहा है भाई साहब एक नंबर। तो ये तो हो गया आपका इस तरफ का,
अभी मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ और यहाँ पे आप मूर्ति देखिए, है ना, एक नंबर भाई। जो ये वाली थीम है ना अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। देखिए ये वाली मूर्ति अपन वहां पीछे भी देखे और ये भी देखिए, साथ में ये मेरे पीछे तरफ देखिए जो मूर्ति है भाई साहब, क्या लग रही है, एक नंबर। और ऑलमोस्ट जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है और मूर्ति देखिए जो फिनिशिंग टचेस है वो सिर्फ बाकी है। और इस तरफ देखिए, है ना, जबरदस्त। चलो अंदर की तरफ चलते हैं, ये देखिए भाई साहब, कमाल कमाल, एक से बढ़कर एक गणेश जी की मूर्तियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए, तो इस तरफ की जो मूर्तियां हैं वो अभी कलर नहीं हुआ है और इस पे आप डिटेल वर्क देखो भाई साहब, क्या बेहतरीन लग रहा है। देखिए, है ना, एक नंबर। और ये देखिए, और ये देखिए, तो इस तरफ जो जितने भी अपन गणेश मूर्तियां देख रहे हैं ये सारी जो है अभी व्हाइट पुट्टी पे है। ये देखो, ये सारे के सारे जो है अभी व्हाइट पुट्टी में, इधर कलर का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। और इस तरफ का अगर दिखाऊं तो इस तरफ देखिए, इस तरफ कलर का काम हल्का फुल्का स्टार्ट हो चुका है और मूर्ति आप देखिए, एक से बढ़कर एक गणेश जी की मूर्तियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी भाई साहब, एक नंबर। ये गणेश जी आप देख सकते हैं, ये बाल गणेश के रूप में बनाई जा रही है। एक्चुअल में जो थीम है वो कृष्ण जी के है, नीचे में आपको माखन भी देखने को मिलेगा। और इस तरफ देखिए, यहाँ पे आंखों का वॉक चल रहा है, ये देखिए, है ना, जबरदस्त। तो चलिए सामने की तरफ चलते हैं और सामने की तरफ के जो गणेश जी हैं वो आपको दिखाते हैं। तो इधर के जो साइजेस हैं वो थोड़ी सी छोटी है, अपन पहले जो देखे हैं गणेश जी वो आपको 10-11 ऐसे साइज में देखने को मिलेंगे। बड़े इस तरफ के जो गणेश जी हैं वो लगभग आपको 5-5.5 फीट के हाइट पे, और कुछ कुछ जो मूर्तियां हैं वो आपको लगभग 6-6.5 फीट में देखने को मिलेंगी। और इस तरफ देख सकते हो कलर का वहाँ जो वर्क है वो प्रोग्रेस पे है और अभी कुछ भी कलर नहीं, मतलब फर्स्ट कोटिंग ही हुआ है। ये देखो, ये देखो यहाँ पे कलर का काम चल रहा है। और इस तरफ भी आप देखिए, तो काफी सारी मूर्तियां हैं गणेश जी की और इनमें से काफी सारी मूर्तियां खाली भी है, काफी सारी जो मूर्तियां हैं वो बुक्ड भी है, तो आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये देखो क्या शानदार लग रही है, जब नीचे कपड़े का काम हो जाएगा ना तो फिर देखना मूर्ति कैसा लगेगा भाई, एक नंबर। देखिए, है ना, एक से बढ़कर एक। और ये आ गई अपने राधा कृष्ण के स्टाइल पे। और इस तरफ भी देखिए, ये आ गए बाबा भोले साथ में गणेश जी। और मूर्तियां देखिए क्या कमाल की लग रही है। और इस तरफ भी देखिए, है ना, एक नंबर।